हनुमान जी की देह कैसी है? बज्रांग। महावीर विक्रम बजरंगी, बज्रांग देह के वीर बजरंग बल। इंद्र ने अपना वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पर मारा। लोग कहते हैं कि हनुमान जी की ठोड़ी टेढ़ी हो गई, हम कहते हैं नहीं, हनुमान जी का शरीर इतना बजरंग है कि हनुमान जी के ठोड़ी पर इंद्र का मुगदर पड़ते ही उसका वज्र ही चकनाचूर हो गया। वरना अगर उसका मुगदर हनुमान जी की ठोड़ी टेढ़ी कर दे तो फिर बजरंग बजरंग बली नाम बेकार है। बजरंग बली का क्या मतलब? बजरंग जिसका शरीर बजरंग की भांति है, कोई भी वज्र जिसके ऊपर प्रभाव ना कर पावे उसी का नाम वीर बजरंग बली है। तो अगर बजरंग बली नाम है तो क्या मुगदर काम करेगा? बोलो। ऐसे ही एक बार भोपाल की घटना है, अयोध्या बाईपास पे एक पेड़ लगा बरगद का, उसके ऊपर दो चूहा चढ़े थे, चंगीलाल और मंगीलाल, दो चूहे छोटे छोटे। एक हाथी चला जा रहा था, एक चूहे का पैर फिसला, हाथी पे गिर गया। ऊपर से दूसरा चूहा बोला, हैं पकड़ के दबा के रख, दबा के रख, मैं अभी आया। बताओ बताओ भाई। अरे भाई किसको दबाने की बात कर रहे हो, किसको पकड़ने की बात कर रहे हो, वो हाथी तुम चूहा। ऐसे ही एक बार एक चींटी अस्पताल गई, चींटी, चींटी मतलब चिटिया, चिटिया समझते हो, बिटिया नहीं, चिटिया। एक बार एक चींटी अस्पताल गई, अस्पताल में जाकर लेट गई, डॉक्टर बोली क्या हुआ? चींटी बोली हुआ कुछ नहीं है, हाथी बीमार है, खून की जरूरत पड़े तो हमारा निकाल लेना। बता बता बताओ, चींटी के खून से कहीं हाथी का इलाज होगा? और हाथी को कोई काम करेगा? हम वही तुम्हें बताना चाह रहे, वीर बजरंग बली का रूप कैसा। सुने तही भयं पर्वताकारा, पर्वत के आकार जैसे वीर बजरंग बली। और वज्र इंद्र का इतना सा वज्र हनुमान जी की ठोड़ी टेढ़ी कर पाएगा? बेफिजूली की बातें हैं, हनुमान जी का नाम बजरंग बली है और इंद्र का वज्र पड़ते ही वज्र ही चकनाचूर हो गया। महावीर विक्रम बजरंग, बजरंग बली का शरीर बजरंग की भांति है और बजरंग की भांति वीर बजरंग बली के तन पर कुछ भी काम नहीं करता। ऐसे वीर बजरंग बली जिस जीव की रक्षा के लिए खड़े हो जाते और उनके खड़े होते ही फिर कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। हम ये बताना चाहें क्या, फिर कोई भी दुनिया में तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। अच्छा लेकिन हनुमान जी की महाराज कृपा कैसे होगी? ये तो आपने बता दिया कि हनुमान जी ऐसे वैसे ठीक है, कृपा कैसे होगी? हनुमान जी की कृपा पाने के लिए एक सूत्र है, सुमारी पवन सुत पावन नाम पावन नाम श्री हनुमान जी महाराज ने जाप किया। तुमसे भी कहते हैं हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे, हनुमान चालीसा को जीवन में उतारने से बजरंग बली प्रसन्न होंगे।
अच्छा जीवन में कैसे उतारें? अब फोटो कॉपी तो चिपकाना नहीं है, कि चलो गुरुजी फोटो कॉपी लेकर के छाती में चिपका लें, मुंह में चिपका लें, पीठ में चिपका लें। नहीं नहीं नहीं, फोटो कॉपी हनुमान चालीसा की चिपकाने से हनुमान जी की कृपा नहीं होनी। हनुमान चालीसा में जो लिखा है उसको करिए, उसको मानिए, उस पर चलिए, उस पर चलेंगे। और हनुमान जी कहना क्या चाह रहे हैं? हनुमान जी पूरे भारत के लोगों से एक ही बात कहना चाह रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, हमें तो राम कथा प्रिय है। और जिसके मुख पर राम नाम होता है, जो राम का काज करता है, अपने काम काज को जो राम काज मान कर करता है, उसी पर बजरंग बली की कृपा होती है। काम करो लेकिन काम काज मानकर काम मत करो, राम काज मान करके काम करो, तो तुम्हें आराम भी मिलेगा, काम काज भी राम काज हो जाएगा और बजरंग बली की कृपा भी हो जाएगी। अच्छा लेकिन कहना बड़ा सरल है। एक बात और है, ज्यादातर पढ़े लिखों के हाथ में भगवान नहीं लगते, पढ़े लिखों के हाथ में महाराज जी भगवान हाथ नहीं लगते, अनपढ़ गवार के हाथ में लग जाते। एक आदमी ट्रेन पे बैठा भोपाल से इटारसी जा रहा, चंगीलाल, हमारा चेला चंगीलाल मीनाल में रहता, भोपाल में, भोपाल में मीनाल में रहने वाला चंगीलाल भोपाल की रेलवे स्टेशन जंक्शन से इटारसी जा रहा था, ट्रेन पर, ट्रेन टिकट नहीं, टीटी आया, टिकट टिकट दिखा, अरे साहब गरीब आदमी है, दाल रोटी खा के पेट पाल रहे। तो टीटी नाराज होके बोला, क्या हम गोबर खाते हैं? तुम दाल रोटी खाते हो तो क्या हम गोबर खाते हैं? अब इसका भोलापन देखना, यहां जोड़ के बोला, साहब अमीर आदमी हो खाते होगे, अमीर आदमी खाते होंगे, क्या कहते हैं, खाते होंगे अमीर आदमी, अमीर आदमी। तो देखो कितना भोला आदमी, इतने भोलेपन। ऐसे ही एक महात्मा राजस्थान गए, एक राजस्थानी बूढ़ी माता मिली, एक बेटा अपने घर पर महात्मा को ले गया, महाराज हमारी माता जी बूढ़ी है, दर्शन दो, दर्शन दर्शन। महात्मा बोले चलो चलो चलो, गए। महाराज थारे खोर लागू, महात्मा थे बुंदेलखंडी, बुंदेलखंड के महात्मा। तो राजस्थानी माता ने मारवाड़ी टूटी फूटी बोल करके कहा, महाराज थारे खोर लागू खोर। महात्मा बोले, खोर तो होते हैं गइयों के, बछड़ों के, ये हमारे खुर कहाँ से होगा, हमारे तो चरण होते हैं। अरे माता जी खुर नहीं बोलते, चरण बोलते हैं, खुर कहोगी नरक जाओगी, नरक नरक मिलेगा नरक। अब देखना उसका सज्जनपन। बूढ़ी माता हाथ जोड़ के बोली, महाराज हमारे भाग में कहाँ है नरक, ये तो आप जैसे महात्माओं को प्राप्त होता है। बताओ महात्मा फिर भी उनकी वाणी सुनकर के भोलेपन पर मुस्कुरा गए, हंस गए। तो हम बताना ये चाह रहे, जब ऐसे भोले लोग परमात्मा के सामने, क्यों? क्योंकि भगवान को दिमाग लगाने वाले कम पसंद हैं, भगवान को दिल लगाने वाले ज्यादा पसंद हैं। और मेरे पागलो, हमने पहले दिन आपको एक दो लाइनें किसी कवि की सुनाई थी, कवि बहुत ऊंची बात लिखते हैं, ईश्वर को ना पसंद है, ईश्वर को ना पसंद है सख्ती बयान में, ईश्वर को ना पसंद है सख्ती बयान में, इसलिए उसने हड्डी नहीं दी जुबान में। इसलिए परमात्मा ने हड्डी नहीं। मेरे पागलो, हनुमान जी को पाने वाला कोई सरल होता है, कोई भोला, कोई मतवाला, कोई उस पर अपने आप को निछावर करने वाला, जो जाए और जाकर के मंदिर में जाकर खड़ा होकर के कह दे, बस आज से तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हो।